बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वालिही वसहाबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी बहुत मज़े की है। ज़रूरी नहीं कि आप यही केक लें, आप कोई भी प्लेन केक आपके पास हो तो आप उससे भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। आज मैं आपको अपने ही स्टाइल में चॉकलेट कोटिंग केक बनाना सिखाऊंगी, तो प्लीज़ आपने हर स्टेप को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। बहुत सिंपल है और बहुत टेस्टफुल ये चॉकलेट कोटिंग केक हमारा रेडी होगा। ऑरेंज चॉकलेट मार्बल केक की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, इसका लिंक ऊपर शो हो जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद होगा। इस केक की रेसिपी को आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। जब आप ये केक बनाएं, जो प्लेन लाइक करते हैं वो प्लेन लें और जो चॉकलेट वाला लाइक करेंगे वो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से बना के सर्व कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ये टेस्ट देगा। कुकिंग चॉकलेट ली है, इसको थोड़ा सा मेल्ट मैंने कर लिया है और थोड़ा सा कुछ इंग्रेडिएंट्स डालने थे फिर मेल्ट होनी थी, तो इसलिए वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 150 ग्राम कुकिंग चॉकलेट लिया है, थोड़े से स्प्रिंकल लिए हैं, चेरी लिए हैं, 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क लिया है, ये भी आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा क्लोज करके। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, ये देख सकते हैं, इसको बनाए हुए मैक्सिमम मुझे 1 मंथ हो चुका है और अभी भी बिल्कुल ये फ्रेश का फ्रेश है। इसका लिंक भी ऊपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, आप इजीली वहाँ से फॉलो कीजिएगा। 2 टेबलस्पून क्रीम लिया है और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ये तीनों चीज़ें चॉकलेट में ऐड करेंगे। डबल बॉयलर की मदद से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके चॉकलेट को अच्छे से मेल्ट कर लो। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, ये देख सकते हैं आप इसकी लोग, जैसे ही अच्छे से मेल्ट हो जाती है फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 5 से 6 मिनट मुझे लगे हैं और A1 चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अब फ्लेम ऑफ कर दूंगी, अब फ्लेम ऑफ करके इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब एक एक केक को पकड़ूंगी और इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे केक को। ये देखें इस तरह ज़बरदस्त सी कोटिंग इसकी कर लेंगे, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हो गई है। अब इसको इसी तरह से इसके ऊपर रखती जाऊंगी, ये देखें इसी तरह से। अब एक और पकड़ूंगी और उसको भी इसी तरह से इसमें कोट कर लेंगे। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त ये हमारा चॉकलेट कोटिंग केक हमारा रेडी होगा। ये देखें हर तरफ से अच्छे से कोट हो चुका है। इसी तरह से सारे केक को चॉकलेट में कोट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें A1 ज़बरदस्त सब केक पे कोटिंग हो गई है। अब इसकी थोड़ी सी डेकोरेट करेंगे, ये देखें माशाल्लाह से थोड़ी सी ये करीम है, इसको आप चॉकलेट पेस्ट्री भी कह सकते हैं आप, जो भी आपके पास हो डेकोरेट के लिए तो आप उससे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़े से स्प्रिंकल इस पर करेंगे, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक लग रही है। 20 से 25 मिनट चिल कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से 20 से 25 मिनट हो चुके थे इसको चिल किए हुए, तो A1 ज़बरदस्त ये हमारे केक चॉकलेट कोटेड केक हमारे रेडी हुए हैं। एक पीस आपको कटिंग करके भी दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और मज़े का चॉकलेट कोटेड केक हमारा रेडी हुआ, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का लग रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द और भी मज़े मज़े की नई नई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखिएगा, मम्मी फूड सीक्रेट्स को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।